तो फ्रेंड्स आज एक फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है और मैं मोती झील जो है सेकंड टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे फिर से अभी। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी कुछ काम ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ है। तो हम इसका जो है हम सेकंड टाइम आने के बाद आप लोगों को और थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हम यहाँ पर देखते हैं अभी ये मशीन आप लोगों को एक दिखाएँगे, बहुत ही अच्छी होगी। और मेट्रो में यहाँ पर जो काम चल रहा है ये देखिए पेंटिंग वगैरह काम चल रहा है और कुछ जगह अभी जो छूट चुके हैं और जो वो कब तक कम्प्लीट होंगे उसका तो अभी पता नहीं है। जैसे ही कम्प्लीट होगा आप लोगों को अपडेट वो भी मिलता रहेगा। पूरा जब आप लोगों को कम्प्लीट हो जाएगा तो एक बार नए बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर से लेके पूरा बहुत ही अच्छे से आप लोगों को डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो ये इस तरफ आप लोग देख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे भी जो है काम पूरा कम्प्लीट होने वाला ही है। मोती झील बहुत ही जल्द कम्प्लीट हो जाएगा, जैसा कि एक एक स्टेशन कम्प्लीट हो रहे हैं। और आपको धूप की वजह से कम समझ में आ रहा होगा, यहाँ से हम आपको दूसरा साइड भी आप लोगों को दिखा देंगे तो आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो है इस साइड आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा काफ़ी दूर तक कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा राउंड लेते हैं, हाँ तो भाई हमसे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इतना कंप्लीट हो गया। और ये इस साइड जो है स्टेशन है, स्टेशन अभी जब चालू होगा तब और भी अच्छा लगेगा कि किस तरीके से कैसा है, क्योंकि जब कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है, इसमें क्या है क्या नहीं है अभी क्या क्या बाकी है कंप्लीट होने के लिए, वो सब कुछ आप लोगों को बाद में ही पता चलेगा क्योंकि जब कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है, मुझे 99% डाउट भी है कि ये 99% मान लीजिए कि नवंबर तक तो कंप्लीट ही हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि आने वाले सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ये है मोती झील का, आप लोगों को पूरा देख लिया है। और यहीं पे मोती झील पार्क भी है, यानी मोती झील का पार्क यानी कि यहाँ पे कपल्स के लिए बहुत ही फेमस है कानपुर में। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग से, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, जय हिंद जय भारत।